गुजरात के नागरिकों को सुविधा देने के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके के नियम बनाए हैं, खासकर जब बिल्डिंगें बनानी होती है, अलग अलग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने होते हैं और उसमें फायर एनओसी लेने की बात आती है या अन्य जो चीजें आती हैं जिसे अब ऑनलाइन कर दिया गया है। सरकार की मंशा यही है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सीधा सीधा नागरिकों के साथ संवाद हो सके। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है और वो प्रक्रिया करने वाले विभागों से जुड़े हुए लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है, वो भी हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे। वडोदरा के ही एक आर्किटेक्चर नितिन कापड़ी मेरे साथ है और उनसे पूछेंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया सरकार ने जो की है क्या उनके लिए सहूलियत वाली है या कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, उन्हें दिक्कतें आ रही है। जैसे नागरिकों को दिक्कतें आ रही है, आर्किटेक्चरों को भी शायद आती ही होगी, ये ऑनलाइन सारे सिस्टम सरकार ने की है वो आपको सुविधाजनक हुई है या कहीं ना कहीं उससे आपको दिक्कतें आ रही है? नहीं, सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा सुविधाजनक ही है जी, लेकिन जो सिस्टम है ऑनलाइन प्रोसेस जो सरकार ने निकाला है उस पर थोड़ा ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा। इसका रीजन ये है कि सरकार ने जो ऑनलाइन सिस्टम निकाली है उसमें मैनमेड माइंड यूज करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जो बना है वो एज पर जीडीसीआर ही बना है। अगर उसके अंदर कुछ भी अप्रूवल के लिए अपलोड करते हैं, अगर वो केस अप्रूवल होके आता है तो उसके अंदर कोई ऑफिसर या कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी अथॉरिटी या फिर आर्किटेक्ट उसको कोई चैलेंज कर नहीं सकते हैं, वो क्लियर होता है जी। फिर भी थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से ऑडिट्स निकाली जाती है, तो हम वही बोलते हैं कि सरकार पहले ऑफिसर्स के पास क्लियरिफिकेशन ले लें कि अगर ये जो ऑडिट निकाल रहे हैं वो सही है या गलत है जी। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जीडीसीआर का जो भी क्लॉज है वो सब ऑलरेडी क्लैरिफाइड है। अभी इसमें क्या है, जैसे कि कोई भी अथॉरिटी हो उनको सरकार ने एक परिपत्र किया है, जो सरकार के ऊपर तो कोई है नहीं जी। अभी सरकार ने जो परिपत्र किया है उसके अंदर उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स की है ऑफिसर्स के, L1, L2, L3, उनको भी डेट्स दिए है और साथ में उनको मेल आईडी भी दिया है कि अगर आप कुछ भी ऑडिट निकालते हो तो उसके अंदर पहले सरकार को भेजो, क्लैरिफिकेशन लो, मीनवाइल यू हैव टू इश्यू अ प्रिलिमिनरी परमिशन ऑर्डर। तो क्या है कि जो भी पर्सन परमिशन के लिए जा रहा है वो आगे का काम कर सके। अगर उनका जो भी ऑडिट से है वो क्लैरिफाई होता है कि वहां से अथॉरिटी जो दिया है वो सही है, तो दे कैन रिवर्क एंड आस आर्किटेक्ट टू रीलोड दैट केस जी, जी। इस तरह से प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत तकलीफें आ रही है कि ऑफिसर्स निकाल रहे हैं वो मेल्स भी नहीं कर रहे हैं, तो रिवोक करते हैं तो हम सरेंडर होके वापस फिर से केस इन्वर्ट करके उसको चला लेते हैं। अच्छा, मतलब ऑनलाइन होने के बावजूद भी वो जो अधिकारियों का डोमिनेशन है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। हाँ, है बना हुआ है, बना कह हुआ। सकते हैं जी, कह सकते हैं, यानी मनमानी अपने अपने हिसाब से नियमों को तोड़ने की मनमानी नहीं बोल सकते। अभी ऐसा है कि ऑफिस क्लॉज तो सब सरकार निकाल रही है जी, अभी जो भी ऑफिसर्स आते हैं सब अलग अलग तरीके के होते हैं, हर एक का माइंड अलग होता है जी। हम उनको इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार का जो भी परिपत्र जो भी नोटिफिकेशन निकाला है उस हिसाब से काम करें, तो हमको भी तकलीफ नहीं, आपको भी तकलीफ नहीं और एंड यूजर को भी तकलीफ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सरकार के बनाए हुए नियम और सरकारी अधिकारी ही कहीं ना कहीं उसमें जोड़ तोड़ करते हैं और इसीलिए दिक्कतों का सामना नागरिक भी करते हैं और इस पूरे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी करते हैं। अभी फायर एनओसी भी नितिन भाई ऑनलाइन कर दी गई है। अभी सरकार ने नया नोटिफिकेशन फायर एनओसी के लिए निकाला है जो कि स्टडी करना बाकी है, लेकिन उसमें भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा प्रोविजनल एनओसी की जरूरत है या नहीं। प्रोविजनल एनओसी क्या होता है? प्रोविजनल एनओसी यानी बिफोर कंस्ट्रक्शन यू हैव टू टेक अ प्रोविजनल एनओसी, मतलब बिल्डिंग आप बनाओ और उससे पहले जो कंप्लीट एनओसी मिलती है उससे पहले आपको एक प्रोविजनल एनओसी, उसके अंदर बताना पड़ता है कि आप क्या क्या इक्विपमेंट कैसे कैसे है वो एज पर नॉर्म्स है कि नहीं। ऐसा है, अभी वो देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, वो बाकी है स्टडी करने का, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि प्रोविजनल एनओसी की जरूरत इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। बिल्डिंग बनने के बाद फाइनल एनओसी तो वो देने वाले हैं, तो उस हिसाब से कैसा है कि अभी एट प्रेजेंट आप ड्राइंग पे जो भी दिखाओगे जरूरी नहीं है कि वहीं पे वो पाइपलाइंस आएंगे जी, अलग भी हो सकती है, थोड़ी बहुत इंटरफेयर करना पड़ता है ड्राइंग्स के अंदर, यहाँ पे सेट नहीं होता, यहाँ पे जनरेटर सेट नहीं होता, तो वो रिलोकेट भी हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से फाइनल फायर एनओसी का ही रिक्वायरमेंट हो तो बहुत अच्छा। और फाइनल एनओसी जब एक बिल्डर को चाहिए होती है तो उसे किस नॉर्म्स का पालन करना होता है, क्योंकि आजकल एनओसी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, खासकर कॉम्प्लेक्स रिहायशी इलाकों में तो है ही, रिहायशी बिल्डिंग में, लेकिन कॉम्प्लेक्स में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो फायर एनओसी
कंप्लीट करने में बिल्डर क्या ध्यान रखता है, ताकि मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी चीजें हो तभी आप उस बिल्डिंग में। नहीं, इसके लिए क्या है, देखो जो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग से अपार्टमेंट्स बनते हैं उसके अंदर फायर कंसल्टेंट, वी हैव टू प्रोवाइड फायर कंसल्टेंट ऑल्सो, तो उसके अंदर क्या है कि फायर कंसल्टेंट उनके हिसाब से जो भी नॉर्म्स है उस हिसाब से जो भी इक्विपमेंट बोलते हैं लगाते हैं वो लगाना जरूरी है जी। और इट इज मस्ट, ये होना भी चाहिए, जो कि अभी भी जितना देख रहे रीजन में फायर का जो इंसिडेंट्स हो रहा है वो ना हो, कम हो, तो वो बहुत अच्छा। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कई बार कुछ बिल्डर अपनी थोड़े से फायदे के लिए करते हैं, उस पर लगाम कसने की कोशिश है। मुझे लगता है इसमें और थोड़ा सामंजस्य आने वाले सालों में बैठेगा, नए नियम है इसलिए शायद और भी दिक्कतें आ रही है। और ऑनलाइन प्रोसीजर में नितिन भाई क्या दिक्कत? ऑनलाइन प्रोसीजर सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन पोर्टल चल नहीं रहे मैडम, वो स्लो चल रहे। अच्छा, वो एक दिक्कत है, पोर्टल में भी आप लोगों को परेशानी, काफी दिक्कत आती है, सर्वर वर्क नहीं कर रहा है जी। वो अगर हो जाए ना तो इससे बेस्ट कोई आइटम है ही नहीं है, ये करना ही चाहिए। यानी ऑनलाइन के फेवर में हाँ, हम ऑनलाइन के फेवर में ही है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से हम भी थक जाते हैं। एज एन आर्किटेक्ट वी आर सपोज टू गिव द आंसर टू द एंड यूजर, वो हम दे नहीं पाते हैं। वो टाइम लिमिट हाँ, आज वो पूछे सरकार ने टाइम लिमिट रखी की है, लेकिन प्रोसेस फाइनल होने का कोई टाइम लिमिट है ही नहीं है। वो लोग एक कोई रीजन की वजह से रिवॉक कर देते फाइल, वापस 15-20 दिन का प्रोसेस हो जाता है जी। सरकार ने बोला है डॉक्यूमेंटेशन का अपलोड करो, तुम जो भी ऑडिट हो उनको वो दे दो जी। यहाँ तो फाइल रिवॉक करते हैं तो नए आईडी से वापस रिलोड करना पड़ता है। अच्छा। फिर से नया पैसा भरना पड़ता है, कभी कभी तो जूना पैसा वो हो भी नहीं रहा है, तो हमेशा फिर क्या करना पड़ता है, समटाइम्स वी हैव टू बेयर जी, वो एक दिक्कत आ रही है अभी। चलिए, दिक्कतें जो आ रही हैं वो नागरिकों तक भी पहुंच रही है और वीएनएम के प्लेटफॉर्म से सरकार तक भी पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि सामंजस्य बना रहे, नागरिकों को भी सुविधा हो और साथ ही इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी आसानी हो। और गुजरात राज्य जिस तरह प्रगति कर रहा है उससे 4 गुनी ज्यादा तेजी से प्रगति करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको हमेशा देखते रहना है, क्योंकि यहाँ हम वही बातें चर्चा में लेते हैं जिसे हमें लगता है कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। देखते रहिए वीएनएम।